बाकी सबके घर पे जा रहा हूँ। फ्रेश की डैडी के लिए लड़की देख के आपका घर सेकंड है, आपको इसमें क्या कहना है? भाई वो अपना चश्मा उतार दो ना, थोड़ा धूप कम हो गई इधर। देख रहा है वो एक ब्लॉग से इतना कमा रहा है कि हम लोगों की तरह ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तुम लोग सब लोग कर रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम लोगों के रिएक्शन के लिए। खास इम्पोर्टेंट लोग आए घर पे, बेंच वाले। शिवांगी जोशी अगर टीवी एक्ट्रेस नहीं होती तो वो क्या होती? जन्नत अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप सभी को ईद मुबारक गाइस, कैसे हो आप सब। ये ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आज मैं बाकी सबके घर पे जा रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी देखो हमारी ईद कैसी गई है। वैसे हम लोग इतनी अच्छी ईद तो नहीं बना रहे, बट ईद तो ईद होती है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरे दिन की अपडेट दूंगा छोटे छोटे ग्लिम्स में कि मेरी क्या एक्टिविटी हुई है। सो लेट्स गो। अभी हम से जा रहे लोधा, जहाँ मैंने भी एक घर लिया था, वहाँ पे अभी हसनैन और फैज है। शायद फैज के घर पे बाकी लोग हो लिए, तो मुझे बाद में जाना पड़े या मैं क्या करूँ, फैज को बुला लूँ घर पे मुझे पता नहीं, बट अभी मैं जा रहा हूँ हसनैन के घर पे। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस यहाँ हो गई हमारी एंट्री, ये रहे सभी लोग। बाप रे लोग तो बहुत सारे लोग है। ईद मुबारक करते ही करते शाम हो जाएगी। गाइस मेरे कुर्ते में जो वर्क हुआ है उसका जो ग्लिटर हो रहा है गाड़ी में, कितना अच्छा लग रहा है। सो सबसे पहले हम लोग फैज के घर पे आए हैं, फैज के डैडी सामने हैं। कैसे हो आंटी, आओ घर पे आओ। अरे फैशल तेको मालूम नहीं क्या, फैज के डैडी के लिए लड़की देख रहे गए थे। फैज के डैडी के लिए, फैज के डैडी के लिए लड़की देख के आए। फैज के डैडी के लिए लड़की देख के आए। ब्लॉग नहीं देखा अभी? ब्लॉग ही देखा, ब्लॉग डाल दिया है। ब्लॉग भी डाल दिया तो फैज की दूसरी मम्मी नहीं, अच्छा तुमने रिश्ता लगाया? मैंने रिश्ता लगाया। बराबर इस्लाम फॉलो कर रहे हो आप तो। ये फैज की मम्मी है गाइस। आज तो ये एक टाइम पे मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। आज भी हूँ, पता नहीं इसको क्या हुआ। आज भी हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, माशाल्लाह। आपका घर सेकंड है, आपको इसमें क्या कहना है? इसमें अच्छी बात है, घर है, बरकत है। और इसके बाद बाकी लोग के घर चलेंगे ना? हाँ चल रहे हैं। सोने का प्लान? प्लान नहीं बना जाएंगे। नॉर्मली जागता है वो। भाई अस्सलाम वालेकुम, तू आया क्यों है? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। आपको भी ईद मुबारक। रमजान भाई के घर पहुंच चुके हम लोग गाइस, और इसके बाद शादान के घर, फिर तुम्हारे घर भी जाएंगे। हाँ फिर शादान के घर, फिर मेरे घर। भाई वो अपना चश्मा उतार दो ना, थोड़ा धूप कम हो गई इधर पे। बाबू के लोग अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हो आप? आप ही को ले रहा हूँ मैं। अभी सो के उठे हो क्या? नहीं यार, सुबह उठा, नमाज पढ़ गया। तो हाय ब्रो, कैसा लग रहा है मेरी बिल्डिंग में आके? भाई तेरी बिल्डिंग तो ऐसा लग रहा है 5-star होटल पे आ गए। नीचे का एंट्रेंस लॉबी इतना अच्छा लग रहा है। चला दीजिए पैर पे। वेलकम बैक गाइस। तो यार मैं सुना तुम्हारी थोड़ी सी पन्नी बची भी है भाई। हाँ, तो क्या किया जाए भाई, इसका थोड़ा सा काम बचा हुआ है। ओ भाई डिग्गी खोलो ना जरा। तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी नहीं देखा मैंने। डिग्गी खोलो। पन्नी तुम लोगों को कौन बताएगा? अरे गौर पन्नी निकालने का मौका मिला। देख रहा हूं निकालने का मौका मिला था।
माशाल्लाह भाई, सब लोग व्लॉग बना रहे हैं सिर्फ एक जन को छोड़ के, हसनैन। क्या आपका दिल नहीं करता है व्लॉग व्लॉग बनाने का? तीन साल पुराना व्लॉग है इसका, वापस शुरू से स्टार्ट। तेरे को मालूम नहीं, वो तीन साल पुराना जो व्लॉग डाला है ना उसने, उसका रेवेन्यू आज तक उसने अभी तक आ रहा है। क्या नहीं करना पड़ रहा है? ओ रोस्ट 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 रोस्ट। सो गाइस, उसने क्या बोला पता है ना, वो एक ब्लॉग से इतना कमा रहा है कि हम लोगों की तरह ब्लॉगिंग कर रहा ही नहीं हो, तो मतलब हमको चैनल को आपका चैनल नहीं देखने मिलेगा। राइट राइट, मैं मेहनत करूंगा। आ गई है तो आप कल से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा घर बनने के बाद में आप तुम लोग सब लोग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिएक्शन आया, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा बेताब हूँ तुम्हारा घर देखने के लिए। क्या बात है शादन, कैसा लगा? कैसा लगा? और ये गद्दा यहाँ पे किया, इसने यहाँ पे डाल के सो जाने? नहीं, वो अभी थोड़ा साफ सफाई करने के लिए। ओके, उसको स्टोरेज रूम बना। अस्सलाम वालेकुम। और नीचे स्विमिंग पूल वगैरह भी अच्छी है ना? नीचे का व्यू कैसा दिखा? ठीक भी अच्छी है ना? तो मेरा रिएक्शन देख रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, ये जो कह रहा है सच में वाओ, दो बार वाओ। ईद मुबारक। कौन आया भाई घर पे? माशाल्लाह। ईद मुबारक, बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक, जोर से बोलो ईद मुबारक। बहुत टाइम बाद जैन मिला, जैन ईद मुबारक। ओ भाई, तुमको भी तो बोलना पड़ता है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो ईद मुबारक? हाँ बाबू, ईद मुबारक कौन बोलेगा बोलो? Hi bro, how are you? Welcome to Faisu's home. माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे को लगा ये फोन है, मैं ये निकाल के कॉल करने आ रहा हूँ। सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। ये ब्लैक 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 ब्लैक, अपन भाई भाई तू चश्मा पहना ना, इसलिए वो डर लग रहा है उसको। अब अब तो मुझे घुमा लिया, चश्मा निकाल लिया। घर देखे कैसा लगा घर? अतना बहुत अच्छा लगा, फोटोज में जितना अच्छा दिख रहा था रियल में वो और भी ज्यादा अच्छा है। माशाल्लाह, थैंक यू ब्रो। फैज माशाल्लाह, पूरा मार्बल का काम लग रहा है मेरे को यहाँ पे। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। कैसा लगा? विराट पे आए थे उससे, मैं सोचा वही घर रहेगा, बनाने के बाद सरप्राइज था एक, बहुत अच्छा घर। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर नहीं पूछो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे पूरे ब्लॉग में मेरे एक्सप्रेशन इतने अच्छे आए हैं, पाँव वाले। जो बोला समझ में नहीं आया, ठीक है। माशाल्लाह, ऑसम ऑसम, माशाल्लाह ऑसम ब्रो, थैंक यू सर। कैसा लगा? गुड पॉजिटिव भाई, थैंक यू। ये सर ने अलग से जो दिए भाई, बातें बातों यार, थोड़ा बहुत महंगा चीज कुर्बानी है, तो बंद रहे तो छोटा हाथ बंद। मैं पैसा को बोला एक बार, यार रेस्टोरेंट खोल दे, खाली प्लेट पे चम्मच मार के चली जाएगी और पैसा देके जाएगी। बहुत महंगा इंसान सर्व कर रहा है, मुझे सो के उठ के कुछ अराउंड 4 घंटा हो गया, मगर अब मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी भी सो सकता हूँ, बट अभी कुछ
खास इम्पोर्टेंट लोग आए घर पे, वेज वाले, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे। वापस वापस ईद मुबारक गाइस, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कल फाइनली फैजू ने हम लोग को आज घर पे इनवाइट किया है, उसका घर बनने के बाद खाना पे। सो चलो कोई बात नहीं, कल तू तो आया है, तू तो आया है, और वो जो पीछे तेरे बैठा है वो तो मैं रोज ही देख रहा हूँ उसको। प्लीज मेरे कल से मत दिख तू। वालेकुम अस्सलाम, हाय गाइस, हेलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। थैंक यू ब्रो, कैसा लग रहा है ब्रो? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। पूरा खाना बनाया है, पूरा वेज हमारे लिए स्पेशल। ये वेज पनीर बनाया है, ये मीठा है, मीठा है, मीठा है। थैंक यू, थैंक यू, एंजॉय गाइस, मजे करो, ब्लॉग देखो, ब्लॉग देखो। थैंक यू। सो गाइस ये था अभी का अपडेट, आगे लास्ट में थोड़ा बहुत और अपडेट रहेगा, फिर उसके बाद ब्लॉग खत्म। अबू बकर अबू बकर का कुर्ता जो शिमर हो रहा है वो कल तेरा भी शिमर हो रहा है। हम दोनों ने मैचिंग मैचिंग कर, बस थोड़ा कलर में डिफरेंस आ गया है। कल का शोल्डर ही वैसा है ना, इसके लिए वो सेटल हो गया है। सब मेरी छोटी छोटी कजन बहने हैं, सारी बहने, सब बहने। अच्छा ये नहीं है, ये तो मेरा भाई है, बाकी सब छोटी छोटी बहने हैं मेरी, और सब रियल बहने हैं, सब मेरे छोटी छोटी लड़कियां हैं। चल नाम बताओ अपना अपना जल्दी से। मेरे बच्चे तो मेरा नाम युज है, तुम बताओ। बोलो बोलो। मेरा नाम उदित है। मेरा नाम आशीष, अरे अब बगैर। चलो 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 चलो। हाँ ठीक है ना, मैं बोल देता हूँ आंटी, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, और ये भी बताओ कि हमारे सेम सेम क्रीम का बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग का आज फिर ट्रेनिंग हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। सेम सेम सेम। हाय एवरीबॉडी, ईद मुबारक। हाय ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं तो अपना घर चेंज करवाएगा। ये पानीपुरी का कॉन्सेप्ट किसका था? ये पानीपुरी का कॉन्सेप्ट था। शिवांगी जोशी अगर टीवी एक्ट्रेस नहीं होती तो वो क्या होती? जन्नत की होती। आर्मी में होती और डॉक्टर। अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वापस आते हैं, वापस आते हैं। मैं जानवर को बचाता हूँ। नहीं नहीं, एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? मैं होती सिंगर, इसमें ज्यादा ना येलो इश्यू है। वेरी गुड जन्नत, वेरी गुड। आई लव यू सो मच फिजिकल बेस्ट पर्सन। तेरे जैसा आदमी पैदा नहीं होता।